नमस्कार दोस्तों, पिंकीज किचन डॉट ब्लॉग डॉट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन रेसिपी मटर के अप्पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप रवा और 1/2 कप कर्ड, और दोनों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो यहाँ अभी गाढ़ा है, इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गांठ ना पड़े। एक बार में ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर पतला हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं यहाँ पे। तो जिस कप से मैंने दही लिया था उसी कप से मैंने पानी लिया है। और देखिए यहाँ पे हमारा अच्छी तरह बैटर मिक्स हो गया है, और यहाँ पे ज़्यादा देर फेंटना नहीं है, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गांठ उठ ना रहे और दही और सूजी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैं यहाँ पे मिक्सी का जार ली हूँ, इसमें डाल रही हूँ 1 कप मटर, ताज़ी हरी मटर है, फ्रोजन वाली नहीं है, और साथ में धनिया पत्ती थोड़ी सी, और डालेंगे 1 इंच के लगभग अदरक, और 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। आप हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और साथ में डालेंगे यहाँ पे दही, तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। अब इस ढक्कन लगा के से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, और मटर के पेस्ट को हम जो रवा फुला के रखे थे उसमें हम ऐड करेंगे। तो देखिए कि इतना ही बारीक पेस्ट बनाना है। और अच्छी तरह से अब हम दोनों को मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सूजी और मटर जो का जो पेस्ट है अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब मिक्स हो गया है। जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसे ऐड कर लिया। साथ में यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 चम्मच नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसे फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और देखिए यहाँ पे इस इतना ही गाढ़ा बैटर रखना है, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है 1 छोटी चम्मच, और इसे भी मिक्स कर लिए हैं। यहाँ मैंने गैस पे अप्पे स्टैंड रख दिया था, गर्म हो गया, तो इसमें तेल लगा दी हूँ हल्का ब्रश से, और इसमें डाल रही हूँ ब्लैक वाली जो राई आती है उससे मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सब में। देख सकते हैं इस तरह से सभी में राई डाल देंगे, और साथ में डालेंगे यहाँ पे व्हाइट वाला जो तिल होता है जिसे सीसमे सीड भी बोलते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा इसमें हम डाल देंगे। इससे जो अप्पे का स्वाद है बहुत ही अच्छा आएगा। और अब तिल भी डाल दिए हैं, अब इसमें हम डालेंगे जो हमारा बैटर बना के रखे हैं अप्पे का, उसे 1 चम्मच या कलछी की सहायता से हर खंड में आप डाल दीजिए, जितना मैं यहाँ पे 1 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से सभी खंड में डाल देंगे। ये मेरा 12 अप्पे वाला स्टैंड है, तो एक साथ में मुझे 12 अप्पे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे अप्पे मैंने डाल दिया। अब इसे ढककर हम लो फ्लेम पे 10 मिनट पका लेंगे। 10 मिनट बाद पलट दिया मैंने अप्पे को, और मतलब टोटल बनने में टाइम 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट में आपका अप्पे बनकर रेडी हो गया। इस तरह से हम सभी अप्पे को बना लेंगे एक एक करके, और देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर आई है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से हमारा मटर का अप्पे बनकर रेडी हो गया है। अब हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है, मटर का हेल्दी हम अप्पे बना के खा सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को खिला सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।